धनुषाको सहित नगर नगरपालिकामा राहत वितरण सुरु गरिएको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण देश नै लकडाउन भएका बेला दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने तथा विपन्न परिवारलाई सहित नगर नगरपालिकाले राहत दिने कार्य सुरु गरेको हो। प्रदेश सरकारले दिएको 15 लाख र नगरपालिकाका विपद व्यवस्थापन कोषबाट 20 लाख मिलाएर राहत वितरण गर्न थालिएको हो। 5 जना वा सोभन्दा माथि रहेका परिवार सदस्यलाई 15 किलो चामल, 1 किलो दाल, 1 किलो नुन, 500 ग्राम खाने तेल र 1 थान साबुनको राहत प्याकेज बनाएर वितरण गरेको नगरपालिका अध्यक्ष उदय बरवरिया यादवले बताउनुभयो। निश्चय नै COVID-19 पेन्डेमिक वर्ल्ड वाइड महामारी से बचावके लेल नगरपालिका पूर्ण रूपमे तयार छै और नगरपालिका एकै बाँचाके लेल विभिन्न हथकर्मा सब अपनेने है। त्यहाँ नगरपालिका हमरा नेतृत्वमे कोरोना महामारी से बचावके लेल समिति छै, ओ समिति एकटा बैठक बैठके हमसब 3-4 निर्णय सब केलहुँ। ओहिमे फर्स्टमे कोरोना भाइरस की छै और कोरोना भाइरस जेना विश्व समय तबाही मचा रहल छै, अमेरिका, इटली, चाइना, हम अपना सबके पड़ोसी देश इंडिया, एहि सबमे जे अहाँके तबाही मचा ओहिके पाठ सीख कऽ नगरवासीके सहित करैला विभिन्न कार्यक्रम सब केलकै। ताहिमे अहाँके प्रत्येक स्वास्थ्य सेवी सबने वड़ा कार्यालय सबमे और हाट बजार जाहिठाम लगै जाहिठाम बेसी भीड़ भाड़ वाला ठाउँ सबमे जनचेतना फैलाबे वाला फ्लेक्स प्रिंट बनाकर कोरोना वायरस की है एहि रोग से बचबाक लेल की करब पड़ी तक ते फ्लेक्स प्रिंट बनाकर ठाउँ ठाउँमे अहाँके रखलकै ढूंढेलकै। और हमसब अहाँके लॉकडाउन के पालना करैके लागि सुरक्षा निकाय और नगर प्रज्ञा टीम हमसब मिलकर विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम के लिए जिंगल बनाकर टोल टोल बस्ती बस्ती प्रचार कैलिए और हमसब अहाँके कोरोना के रोकथाम के निमित्त स्वास्थ्य कर्मी सब, महिला स्वयं सेविका, आमा समूह के अहाँके टोल टोल में घर घर में हमसब अहाँके पहचान कैलिए। बिहीबार वडा नम्बर 1, 2, 3, 8, 9 राहत वितरण गरिएको छ। सहित नगर नगरपालिकाभित्र 9 वटै वडाका लकडाउन पीडित विपन्न परिवार तथा ज्याला मजदुरी गर्ने 8,700 परिवारलाई राहत वितरण गर्न लागि नगरपालिका अध्यक्ष यादवले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश सरकार हमरा सबके नगरपालिकाके उपलब्ध करेलकै, ताहिमे 5 लाख रुपया क्वारंटाइन व्यवस्थापन राखि देने छी, ओहिमे खर्च भऽ रहल छै डेली आओर हम फाइनल हिसाब लिए अभी तक रहै छी, ओहिमे चावल मेंटेन भइए रहल छै। आओर बाकी पैसा 10 लाख रहि गेल छै, ओहिमे सँ हमसब 1,10,000 त्यस्तै नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नन्द कुमार झाले यदुकोहामा क्वारेन्टाइन आइसोलेसन स्थापना गरिएको बताउनुभयो। उहाँले विदेशबाट आएका मानिसहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको पनि जानकारी दिनुभयो।